तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जेंडर। तो जेंडर क्या है हमारा? ये हमारा सोसाइटी ने जो हमें टर्म दी है, मतलब सोसाइटी ने बनाया है जेंडर को, है ना। जेंडर को किसने बनाया? हमारा सोसाइटी ने। जेंडर क्या है? हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है ना। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जेंडर हमारा क्या है। जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स हमारा क्या है? बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट है। मतलब कि जो हमारा हेरिडिटी से आता है ना, हेरिडिटी से जब हमें सेक्स मालूम होता है बच्चे का कि बच्चा मेल है या फीमेल है। सेक्स क्या है हमारा? बच्चा मेल है या फिर बच्चा फीमेल है, ठीक है। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट होता है, जिसको हम सेक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो ये दोनों सेम नहीं होते। ये हमारा वो है जो बायोलॉजी का कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि मेल और फीमेल, जिसमें हम उनका सेक्स डिसाइड करते हैं, है ना। यहां पर क्या है, ये जो जेंडर बनाया है ना, ये सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया टर्म है जेंडर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इक्वेलिटी एंड जेंडर रोल्स। तो इक्वेलिटी और जेंडर रोल्स क्या होता है हमारा? इक्वेलिटी हमारी वो होती है जो मतलब कि सबको समान, सबके लिए समान होती है। जो इक्वेलिटी क्या है? जो हमारी सबके लिए समान है। मतलब कि खेल कूद की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में अगर भाग ले रहे हैं, जैसे क्रिकेट हो गया है ना, तो उसमें सिर्फ लड़का भाग लेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो इक्वेलिटी क्या है? लड़का भी भाग लेगा, लड़कियां भी भाग लेंगी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का खेल है तो उसमें सिर्फ लड़का भाग लेगा, टेनिस का खेल है तो उसमें सिर्फ लड़कियां भाग लेगी, है ना। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ये होता है हमारा इक्वेलिटी में, ठीक है। उसके अलावा वर्क प्लेस पे, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं, है ना। तो वहां पर होता है कि ये ताकतवर काम है ना, ये ताकत का काम है, तो इसमें सिर्फ मेल पर्सन, है ना, मेल पर्सन को ही हम प्रेफर करते हैं कि इसमें एनर्जी लगेगी, तो ये लड़कियों के बस की काम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबको इक्वालिटी, मतलब कि उसमें भी हम इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें भी समान अवसर देंगे लड़कों को भी और लड़कियों को भी, ठीक है। उसके अलावा हमारी अगर पढ़ाई की बात करें, स्टडीज, है ना, तो उसमें क्या होता है, स्कूल में होते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसमें ये देखा जाता है कि मैथ्स के अगर टॉपिक चल रहा है तो टीचर्स क्या करते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस के जब पूछते हैं ना, तो उसका जवाब कौन देता है? किसको उठा के पूछेंगे? मेल कैंडिडेट को, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, फीमेल को भी बराबर अवसर देना चाहिए। उन्होंने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो इसमें तो लड़के ही स्मार्ट वर्क करेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, है ना, मैथ में लड़के इंटेलिजेंट है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर होम साइंस का सब्जेक्ट होता है तो उसमें ज्यादातर लड़कियों को देखा देखा जाता है कि लड़कियां इसमें ज्यादा अच्छा करती हैं, तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सबको समान अवसर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा आता है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स, तो ये अब हमारा जेंडर रोल्स क्या है, मतलब कि ये इक्वेलिटी एंड जेंडर रोल्स वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। मतलब कि जेंडर की उस पे हमें भेदभाव ना करके, है ना, सबको समान अवसर देना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे प्लेग्राउंड की बात हो, चाहे स्टडीज की बात हो, वाट एवर, मतलब कि कहीं भी हो आप, हर जगह दोनों को समान अवसर देना, ये कहता है हमारा इक्वेलिटी एंड जेंडर रोल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद अब देखिएगा, आपके सामने एक पिक नजर आ रही है जिसमें आपको दिख रहा है कि इक्विटी और इक्वेलिटी क्या है। यहां पर क्या है हमारा, तीन बॉक्स बने हुए हैं, एक मतलब उसके पेरेंट्स हैं, दो छोटे बच्चे हैं, एक बहुत छोटा है और एक मतलब कि उसकी एज एवरेज है,
मतलब कि हाइट एवरेज है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड में मैच देखने आए हुए हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, इक्वेलिटी क्या है, इक्वेलिटी में दिख रहा है कि सबको समान अवसर देना है ना, समान अवसर दे रखा है भाई, सबको एक एक स्टूल दे रखा है, जिसको उसकी कितनी जरूरत है उस पर डिपेंड नहीं करता, हमें तो समानता से मतलब है, हम अगर स्टूल देंगे तो सबको समान देंगे, एक दे रहे हैं तो सबको एक एक दे देंगे, ठीक है। जबकि कहीं जगह पर यह चीज सही नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा भाई, इक्वेलिटी हर जगह सही नहीं होती, क्यों, क्योंकि अब देखो यहां पर मैच देखने आए हैं है ना, सबको हमने समान अवसर दे दिया, इक्वेलिटी दिखाई है ना, लेकिन उसमें क्या हुआ, सब बच्चे देख थोड़ी पा रहे हैं मैच, दो दो इंसान देख पा रहे हैं, लेकिन एक जो छोटा बच्चा है वो नहीं देख पा रहा। वहीं जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि मैच देखने आए हैं तो तीनों लोग देख पाए, तो हम ऐसा क्या करें कि तीनों लोग मैच देख पाए है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो जो उसके पेरेंट्स हैं है ना, उनकी हाइट ज्यादा है तो उनको तो स्टूल की जरूरत आवश्यकता नहीं है, तो उसका उनका वो स्टूल क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे को दे देते हैं ताकि वो उस पर खड़े होकर वो भी मैच देख पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा इक्वालिटी ही मतलब कि मैटर करती है, इक्विटी भी बहुत जगह पर ऐसा हो जाता है कि इक्विटी को हमें प्रेफर करना पड़ता है ताकि सबको सब मैच देख पाए, जैसे कि एग्जांपल था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज। तो बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या है हमारा, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है क्या है, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स है ना, सेक्स के उस पर डिफरेंस, मतलब कि मेल है फीमेल है ना, उसके उस पर डिफरेंसेस, मेल है तो ये काम करेगा, फीमेल है तो ये काम करेगी है ना, तो ये इस पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, मतलब कि उनकी एज, उनकी आयु, उनकी उम्र को देख करके जो हम डिफरेंसेस करते हैं कि छोटा बच्चा है तो अभी तो यही काम करेगा है ना, बड़ा है तो उसको थोड़ी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो ये होता है हमारा एज के उस पे। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कास्ट के लिए, कास्ट के बेसिस पर हम जो डिफरेंसेस पैदा करते हैं कि ये छोटी जात का है ना, जैसे पहले की बहुत परंपरा निकल कर आती है, अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो पहले से वो चलता आ रहा है, एक आपने वो पढ़ा होगा छुआछूत है ना, तो ये सब क्या है, कास्ट का ही डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इनइक्वालिटी है। तो अगर हम बात करते हैं मतलब कि कास्ट की, तो छोटी जाति के लोगों का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना, ये सब पहले की परंपरा थी, अब तो खैर चेंज हो रहा है, बहुत चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है हमारे देश में। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बात करें तो उसमें क्या होता है, कोई लोग होते हैं रिच पीपल है ना, और उन्हीं के रिश्तेदार मान लो कि वो उतने उस लेवल पर रिच नहीं है, या फिर कह सकते हो कि वो गरीब हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लेवल के लोगों से ही बात करना ज्यादा मतलब ज्यादा बेहतर समझते हैं उनसे, ताकि वो आगे बढ़ पाए है ना, मतलब कि जो मतलब अमीर नहीं है, थोड़े लो उसमें है इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इतनी वो नहीं है उनकी कमाई, तो उनसे बात करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ये होता है हमारा सोशो इकोनॉमिक, मतलब कि ये सोसाइटी से ही हम इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद हमारा आता है जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और वोमैन, चलिएगा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अ पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज द वे अ पर्सन वॉक्स है ना, एक पर्सन की मतलब कि एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है, द वे अ पर्सन वॉक, किस तरीके से वो पर्सन चल रहा है, वो किस तरीके से बातें करता है, और वर्क और इवन थिंग्स, मतलब कि वो किस जगह पर काम करता है, क्या काम करता है, और उसकी थिंकिंग सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, मतलब कि पहले से ही तय है सोसाइटी के द्वारा है ना, जो कि जेंडर रोल्स हमें डिसाइड करे गए हैं। तो जैसे लड़की है तो लंबी लंबे बाल रखेगी, पीछे चोटी रखेगी, तो इस सोसाइटी के द्वारा पहले से ही तय है कि लड़की है तो भाई लंबे बाल रखना है, लड़का है तो छोटे बाल रखेगा है ना,
लड़कियां हैं तो इस मतलब टीचर बनेगी है ना, डॉक्टर बनेगी। उसके अलावा लड़का है तो वो क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, खेल कूद में आगे जाएगा। लड़कियों को थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनको बाहर खेल कूदने से रोक रोक दिया जाता है, बल्कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, वो बड़े होते हैं तो उनको तब भी सपोर्ट किया जाता है कि आगे खेल कूद कंटिन्यू रखो, है ना। तो ये सब रहता है हमारा। मेटाकॉग्निशन क्या होता है हमारा, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। उसके अलावा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। तो ये होता है हमारा मेटाकॉग्निशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो अब देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है हमारा, लिंग रूढ़िवादिता, है ना, क्या है ये हमारा। तो इसमें देखते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्रो कंसीव्ड नोटेशंस नोशंस अबाउट सम पर्संस और ग्रुप। मतलब कि इसमें क्या है, हमारी पहले से ही हमारी परंपराएं जो चलती आ रही हैं, है ना, जो हमारी बहुत पहले से ही परंपराएं चलती आ रही हैं कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। लड़का है मतलब जब छोटा होता है बच्चा तो उसको पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़की है, लड़कियों के लिए क्या डोल वगैरह ला दी, किचन सेट ला दिया खेलने के लिए, है ना। और उसके अलावा लड़का है तो उसके लिए गाड़ी आ रही है ना, छोटी सी टॉय में भी गाड़ी आ रही है, गन चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, पहले से ही हमारा फिक्स कर दिया जाता है कि लड़की है तो वो सॉफ्ट नरम दिल की होगी, लड़का है तो वो रो नहीं सकता, उसे कठोर बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी पहले से ही तय हो जाती हैं कि लड़के को ये एक्टिविटी देनी है, लड़की है तो ये करनी है। तो ये सारी परंपराएं हमारी पहले से चलती आ रही हैं, दहेज प्रथा। तो ये सब क्या आ जाता है हमारा, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि जो भी हमारी परंपरा पहले से चलती आ रही है ना, पहले से जो चलती आ रही है वो है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर बायस हमारा क्या होता है, जेंडर बायस होता है हमारा किसी एक जेंडर पर झुकाव करना, है ना, झुकाव रखना। मतलब कि जैसे कि क्लास में मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है तो आप मेल कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं तो मेल की तरफ वो झुकाव दिखाता है ना। उसके अलावा जैसे कि किचन की बात होती है तो क्या होता है, मीडिया भी, सोशल मीडिया या फिर हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि एड वगैरह आते हैं तो किचन का जो एड होता है वो प्रेफर करा जाता है कि लड़कियां ही करें, है ना। उसमें भी दिखाया जाता है जेंडर बायस को दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और जो खेलकूद के ऐड होते हैं वो कौन करते हैं, मेल करते हैं, तो उसमें भी जेंडर बायस दिखाया जा रहा है, ठीक। उसके बाद जेंडर बायस के बाद हमारा क्या आता है, जेंडर पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी हमारा क्या है, जेंडर पैरिटी, तो जेंडर पैरिटी हमारा है कि मतलब कि समानता, इक्वेलिटी। जब हम जेंडर को इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वल इक्वल दर्जा देते हैं, वो होती है हमारी जेंडर पैरिटी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी, हम जेंडर को न्यूट्रल कैसे रख सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर को हम न्यूट्रल कैसे रख सकते हैं। तो जेंडर को हम न्यूट्रल ऐसे रख सकते हैं जैसे कि टीचर है, क्लास चल रही है, स्कूल में चल रही है या कॉलेज में चल रही है, वट एवर, कहीं भी कोई भी लेक्चर दे रहा है, कोई भी हमारे टीचर्स है ना, कोई भी बात करता है, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसमें की लैंग्वेज से दर्शाया नहीं जाना चाहिए कि वो जेंडर बायस को दर्शा रहा है। जैसे कि बैट्समैन था, आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर क्रिकेट देखते हैं, क्या था बीसीसीआई ने पहले क्या था, बैट्समैन बोलते थे, लेकिन अब उसको जेंडर बायस को हटाकर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज करने के लिए उसमें क्या कर दिया है, बैट्समैन को हटा करके बैटर कर दिया है, जो खेलता है वो बैटर हो गया है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बैट्समैन मतलब कि वो दिखाता है कि सिर्फ सिर्फ लड़का खेलता है ना, लेकिन बैटर क्या दिखाएगा, लड़की भी और लड़का उसमें क्या होता है, हिडन होता है, उसमें किसी भी जेंडर को हम स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे कि कैमरा मैन, तो उसमें से मैन को हटा दें, कैमरा पर्सन, ताकि वो जेंडर को ना दिखाए, है ना। तो यह हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, मतलब कि हमें लैंग्वेज में अपना चेंज लाना है, ठीक है। उसके अलावा हमारा आता है चेयरमैन, चेयरमैन को हटा करके हमने क्या कर दिया है, चेयर पर्सन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स का किस किस जगह पर देखा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारा कहाँ कहाँ देखा जाता है।
तो ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, रूढ़िवादिता मतलब कि जो परंपराएं हमारी पहले से चली आ रही हैं, तो ये कहाँ कहाँ देखा जाता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा फैमिली। सबसे पहले हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा कहाँ से मिलता है, फैमिली से मिलता है। जब हम हमारी फैमिली ही शुरुआत से ही डिसाइड कर देती है कि छोटा सा बच्चा होता है तब से ही डिसाइड कर देती है कि लड़का है तो ये कठोर दिल का बनाना है, ये रोएगा नहीं, ठीक है, और लड़की है तो वो इमोशनली अटैच होगी। उसके अलावा उनके खिलौने भी इस तरीके से लाए जाते हैं कि लड़कियों के लिए किचन सेट ला दिया गया, उसके लिए किस कलर के खिलौने लाने हैं तो पिंक कलर लड़कियों के लिए बना दिया है ना, लड़कों के लिए ब्लू कलर बना दिया। और उनके खिलौने कैसे होते हैं, बाइक गाड़ी मतलब कि गन वगैरह चला रहे हैं, तो ये सब कठोर दिल का बनाने के लिए उनके खिलौने भी अलग होते हैं। तो मतलब बचपन से ही फैमिली से ही जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई मैरिज। मैरिज तो मैरिज में क्या होता है, लड़कियों की शादी हो रही है ना, तो उसमें क्या है, दहेज प्रथा है, दहेज ले लिया, जैसे कि लड़कियों लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा लगाया ना लगाया लेकिन दहेज में पैसा लगाना है ना, पढ़ाई कराओ कराओ ना कराओ लेकिन दहेज में पैसा लगाना है, ताकि क्योंकि उसकी शादी करानी है ना, वैसे चाहे लाइफ उनकी कैसी भी रहे। अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, करिकुलम एजुकेशन। करिकुलम यानी कि एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी ये सारी चीजें दिखती हैं। पहले क्या होता था, थोड़े टाइम लड़की स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद उसे रोक लिया जाता था आगे 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 तो पढ़ाई करके क्या करेगी, तो ये तो बाद में किचन ही संभालना है ना, ये सब करके उसे रोक लिया जाता था घर में। उसके अलावा मीडिया, मीडिया भी ये दिखाता है, मीडिया भी दिखाता है कि मतलब कि ऐड करते हैं, लड़कियां हैं वो अपना अलग ऐड करती हैं, उनके लिए किचन वगैरह के ऐड हैं, और लड़के हैं तो उनके लिए खेलकूद के ऐड हैं, तो उसमें भी जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाता है। उसके अलावा अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखिएगा अब आपको नजर आ रहा होगा फ्यू कॉन्सेप्ट्स, जेंडर आइडेंटिटी। सबसे पहले क्या है हमारा जेंडर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आप खुद से ही क्या करते हैं, आप खुद को ही देखते हैं कि लड़का है तो लड़की की तरह फील नहीं करता, मतलब कि लड़का है तो कठोर होगा, लड़की की तरह फील नहीं कर सकता, ये क्या है हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके अलावा जेंडर रोल होते हैं जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो कि हमें पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं कि हमारे ये रोल्स हैं, हमें ये काम करना है, ठीक है। उसके अलावा आती है हमारी जेंडर टाइपिंग, मतलब कि लड़की है तो लंबे बाल रखेगी, लड़का है तो छोटे बाल रखेगा, ये हमारी जेंडर टाइपिंग आ गई। और नेल्स, नेल्स गर्ल है तो नेल्स बड़े रखती है, बॉय है तो छोटे रखेंगे, है ना। उसके अलावा जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो परंपराएं हमारी पहले से चलती आ रही हैं वो हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। उसके बाद हमारा आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर के मतलब कि लिंग के ऊपर पक्षपात करना डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि बॉय और गर्ल को सेम इक्वालिटी ना रख करके, मतलब सेम प्रेफरेंस ना लेकर के बॉय को ज्यादा प्रेफरेंस देना, तो वो क्या एक तरह से वो जेंडर बायस में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम को जानते हैं, तो हमारा आता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनरिटन अनऑफिशियल एंड ऑफ्टन अनइंटेंडेड लेसन्स वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स दैट स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। मतलब कि ये वो है अनऑफिशियल, जो कि अनलिखा मतलब कि बिना लिखा नहीं गया वो करिकुलम है हिडन करिकुलम। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स बात कर तुम आपके कोई पेरेंट आपके मतलब पेरेंट्स हैं वो किसी से बात करते हैं, सपोज करो कोई मजदूर है उससे आके किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो अगर जिस तरीके से बिहेव करेंगे, अगर वो पोलाइटली बिहेव करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे उसकी, तो बच्चा भी कुछ दिन बाद क्या करेगा, उनकी कॉपी करेगा, उसी तरीके का व्यवहार वो भी उनके प्रति रखेगा, है ना। और अगर वो डांट धमका फटकार करके बात करते हैं उनसे, तो क्या करेगा, बच्चा भी उसी चीज़ को अपनाएगा, वो भी उसी तरीके से उन लोगों से बिहेव करेगा। तो
तो ये क्या दर्शाता है हमारा, ये है हमारा हिडन करिकुलम, जो कि बच्चा मतलब कि स्कूल से टीचर से सीखता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक दूसरे से सीखी जाती हैं। तो कौन किस तरीके से किससे व्यवहार कर रहा है, बच्चों के सामने ये लाना बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि उनके सामने हर किसी इंसान के से सही तरीके से व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो आप ही लोगों को देखकर आपको कॉपी करता है। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास जेंडर का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।